इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है। फिर उनको यह समझा दिया गया है कि आप जब पुनर्जन्म मानते नहीं है तो पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो इसी जन्म के लिए है, तो खाओ मौज करो, भोग करो, खाओ पियो मौज करो। वो फिलोसफी आई, तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको, पहले नाश कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित है। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम जब पुनर्जन्म में गए तो फिलोसफी कहां तक गई? फिलोसफी गई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदय कस्य सिद्धनम। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए भी है, और तुम्हारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और पड़ोसी के लालच में मत फंसो। माग्रदय कस्य सिद्धनम, तो हमने बना दिया उसको। और यही फिलॉसफी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मुहावरों में, अनेक अनेक संप्रदायों में आई। मूल वो ये है, इसलिए हमको दिल में चोट होती है और गांधी जी को भी चोट होती है कि गाय का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा। भैंस का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भैंस बन गया तो मेरा भी होगा।